गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आरएसी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, ठीक है। और जो बेसिक कंसेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो सिस्टम है उसको हमने समझा था कि सिस्टम क्या होता है। आज हम जो करने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे लेक्चर की टाइप्स ऑफ सिस्टम से। टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? सिस्टम हमने देखा था कि कोई भी इनक्लोज्ड आपका माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। जो इसको डिफर करता है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है, एक्चुअल में भी प्रेजेंट हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, ठीक है। और सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम के बाहर वाला जो सारे का सारा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। सो फर्स्ट इज सिस्टम, देन बाउंड्री, एंड थर्ड वन इज सराउंडिंग। टाइप्स में देखें तो फर्स्ट जो टाइप्स है इसमें वो है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? आपके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीजों का ट्रांसफर पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज एनर्जी, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी कैन ट्रांसफरेबल, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग तक और सराउंडिंग से सिस्टम तक ये दो चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। अगर ओपन सिस्टम हो, अगर आपका ओपन सिस्टम है तो उसमें क्या होगा आपका कि मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सपोज करो ये है। सो इसमें क्या है आपका? टोटली इनक्लोज्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है। एक तरफ से आपका मैटर एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से मैटर आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। ये जो ये सारी की सारी चीज है इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम की बाउंड्री है और बाकी सारा जो बाहर है आपका हिस्सा है वो क्या है? इसका सराउंडिंग, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यहां से आपका मैटर एंटर कर रहा है, दैट मींस के मास एक्सचेंज हो रहा है। मास एक्सचेंज हो रहा है, अगर मास एक्सचेंज हो रहा है तो दैट मींस के एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि मास आपका अगर इसमें से एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है और सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, ठीक है, तो दैट मींस के मास इज एक्सचेंजेबल, ठीक है। मास चेंज हो रहा है तो मास के बीच में क्या है? एनर्जी है, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो सकती है। अगर मास ट्रांसफरेबल है तो एनर्जी भी ट्रांसफरेबल होगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम। सेकेंड है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के क्या होगा? आपकी जो बाउंड्री है वो पूरी तरह से बंद है, किसी भी तरह से ओपन नहीं है। इसमें क्या था आपका कि यहां से मैटर अंदर या बाहर जा रहा था, ठीक है, लेकिन क्लोज सिस्टम में कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, ना ही कोई एग्जिट पॉइंट है। सो दैट मीन्स के इसमें क्या होगा? मास इज नॉट ट्रांसफरेबल, मास आपका एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सो इन क्लोज्ड सिस्टम ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। सो क्लोज सिस्टम क्या हो गया? मास इज कैन नॉट ट्रांसफर, मास अंदर बाहर आपके सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग में सिस्टम नहीं जा सकता, सिर्फ एनर्जी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज कर लो आपके पास फ्लास्क है कोई, ठीक है, क्लोज्ड आपकी फ्लास्क है और फ्लास्क के बीच में सपोज करो आपने वाटर है, तो ये क्या होगी? फ्लास्क की बाउंड्री हो गई और बाहर क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है। तो फ्लास्क सपोज कर लो गर्म पानी डाला हुआ है आपने फ्लास्क में, तो क्या होगा कि पानी आपका धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हीट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है, बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था, सराउंडिंग का कम था, ठीक है, उतनी देर तक यह ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम आपका क्रिएट नहीं हो जाता। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम।
थर्ड जो इसमें आपका सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा आपका मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, ठीक है। आइसोलेटेड दैट मींस नाम से पता चल रहा है कि टोटली आइसोलेट है, ठीक है। मैं कहने का मतलब कि आप उस फ्लास्क की बात कर सकते हो जो आपके जैसे थर्मोस्टील की आपकी फ्लास्क आती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप जैसे टोटली उसको 100% आइसोलेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें क्या आता है जैसे आपका 24 आवर जैसे उसमें आपने गर्म कुछ भी रखा हुआ है तो वो गर्म ही रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है ना मैटर आपका एक्सचेंज हो रहा है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अंदर आपका जो भी चीज़ है हॉट चीज़ है जो भी उसमें तो वो हॉट ही रहती है आपकी, ठीक है। बाहर से आपका एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। मास और एनर्जी दोनों आपके ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। सो ये थी आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हम इसमें जो देखेंगे वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपके जैसे मैंने आपको एक फ्लास्क का एग्जांपल दिया कि दोनों का जब टेम्परेचर फ्लास्क के अंदर वाले पार्ट का और बाहर वाले मैटर का, ठीक है, इसमें हॉट वाटर है, ठीक है, और बाहर सराउंडिंग में क्या है टेम्परेचर, सपोज करो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट क्या होगा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कब तक होगा, जब तक दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। टेम्परेचर दोनों सेम हो गए दैट मीन्स के सिस्टम हैज अटेंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम क्या हो गया इक्विलिब्रियम में की कंडीशन में आ चुका है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब आपके दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए चीज, ठीक है, जब ये दोनों क्वांटिटीज बैलेंस हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसकी थोड़ी सी आपकी टाइप्स हैं अलग अलग सी। फर्स्ट वन है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द सिस्टम। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो ये एक लीवर है और दोनों तरफ ने आपने यहां पर वेट डाला हुआ है दोनों तरफ पे, ठीक है। दोनों का सपोज करो ये भी 5 kg है और ये भी आपका 5 kg लोड है, ठीक है। तो अब दोनों लोड इक्वल होने के कारण क्या होगा कि आपका लीवर है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ना तो इस तरफ को नीचे आएगा ना इस तरफ को ना ऊपर जाएगा, बिल्कुल एक जगह पर आपका स्ट्रेट रहेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस ना हो सिस्टम में, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हम छेड़ कर सकते हैं जब हम बाहर से एक्सटर्नल हम कोई एफर्ट करें या एक्सटर्नल से कोई हम एनर्जी डालें या मैटर डालें, तब आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम आपका अनबैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं 6 कर दूँ, अभी इस तरफ मैं लोड 6 कर दूँ, तो क्या होगा, ये वाला चीज़ आपका नीचे आ जाएगा, तो लीवर का पोजीशन आपका क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये वाला आपका हैवी हो गया है और ये आपका अभी आपका लाइट है, ठीक है। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिस्टम में हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मैकेनिकल, ठीक है। जब आपकी इक्विलिब्रियम अनबैलेंस्ड कोई भी सिस्टम में फोर्सेस ना हो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन है आपके इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है थर्मल दैट मीन्स हीट, ठीक है। हीट जब आपका ट्रांसफरेबल ना हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो जाए, सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक रॉड है आपका, ठीक है, इसको आपने हीट अप कर दिया है, हीट अप करके इसका टेम्परेचर रॉड का हो गया कितना 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बाहर का आपका टेम्परेचर है सपोज करो सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हीट करना मैंने इसको बंद कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो टेम्परेचर है मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम हायर टू लो, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
एक कंडीशन आ जाएगी जब सिस्टम का, ये आपका सिस्टम है, ये आपकी बाहर वाली सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको बोलेंगे कि आपका जो ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। लास्ट वन है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम सेम चीज, लेकिन इसमें क्या है कि केमिकली आपका कोई भी जब रिएक्शन ना हो रहा हो सिस्टम के बीच में, तब हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सपोज करो कोई आयन वगैरह आपके पॉजिटिव या कटायन या आपके अनायन है, वो अब प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, पूरा न्यूट्रल हो चुका है आपका सिस्टम, देयर इज नो फर्दर केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम, तब आप क्या बोलोगे, जब आपका कोई भी आपका मूवमेंट नहीं हो रही है, ना कोई अनायन या कटायन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो तब हम उस इक्विलिब्रियम को, कंडीशन को क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो आज हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम देखा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे हीट और हीट की जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।